इस मूवी का नाम है डोंट ब्रीथ पार्ट टू। अगर आपने इस मूवी के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटी सी लड़की को जंगल में भागते हुए दिखाया जाता है। ये लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, ये किसी से अपनी जान बचाकर भाग रही होती है और तभी उसके सामने एक कुत्ता आ जाता है जो कि उसके पीछे पड़ जाता है। वो किसी तरह उस कुत्ते से बच जाती है। आगे जाने पर इस लड़की को एक गाड़ी के अंदर गन मिलती है, उस गन को वो अपने पास रख लेती है और तभी उसके पीछे ओल्ड ब्लाइंड मैन आ जाता है जो कि गन छीन लेता है और उस लड़की को पकड़ लेता है। ब्लाइंड मैन उस लड़की से कहता है कि तुम अपनी ट्रेनिंग में पूरी तरह से फेल हो चुकी हो। दरअसल इस लड़की का नाम एली होता है, ये उस ओल्ड ब्लाइंड मैन की बेटी है जो कि वो अपनी बेटी को सर्वाइवल ट्रेनिंग दे रहा होता है और वो डॉग भी उनका पालतू होता है। इसके बाद ब्लाइंड मैन अपनी बेटी को लेकर अपने घर वापस आ जाता है। घर आने के बाद एली ब्लाइंड मैन से अपनी मॉम के बारे में पूछती है। ब्लाइंड मैन उसे कहता है कि हमारे पुराने घर में आग लग गई थी जिसमें तुम्हारी मॉम की मौत हो गई थी। यहाँ पर जो ब्लाइंड मैन है वो अपनी बेटी एली को घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने देता, वो अपनी बेटी की स्टडी भी घर पर करा रहा होता है। एली ब्लाइंड मैन से बाहर जाने के लिए बोलती है लेकिन वो उसे साफ मना कर देता है। इसके बाद ब्लाइंड मैन के घर पर एक लड़की आती है जिसका नाम हर्नांडेज होता है। दरअसल हर्नांडेज ब्लाइंड मैन की दोस्त है जो कि उसके घर पर अक्सर जरूरी सामान को डिलीवर करने के लिए आती है। हर्नांडेज एली को टाउन में घुमाने के लिए ले जाना चाहती है। पहले तो ब्लाइंड मैन उसे मना कर देता है लेकिन उसके समझाने पर वो उसकी बात मान जाता है। इसके बाद हर्नांडेज एली को लेकर चली जाती है, उनके साथ उनका डॉग भी होता है। रास्ते में एली अपनी मॉम को मिस कर रही होती है, इसीलिए वो हर्नांडेज से कहती है कि मुझे अपना पुराना घर देखने के लिए जाना। हर्नांडेज एली को उसके पुराने घर ले आती है जो कि पूरा का पूरा जला हुआ था। एली अपने घर के अंदर आती है जहाँ पर उसने अपनी मॉम की एक ग्रेव बना रखी थी। एली अपनी मॉम को मिस करते हुए वहाँ पर फूल डालती है और तभी एली नोटिस करती है कि घर के अंदर कोई और भी है। ये देखकर एली डर जाती है और फौरन घर से बाहर आ जाती है। और जब बाहर एली एक पार्क में बैठी हुई होती है तो एली अपने आसपास बच्चों को देखती है जो कि आपस में खेल रहे होते हैं। एली मन ही मन सोचती है कि ये लाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद जब एली वॉशरूम में होती है तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम रायलन होता है। वो एली का रास्ता रोक लेता है और तभी वहाँ पर एली का डॉग आ जाता है। वो रायलन पर भौंकने लगता है। एली उससे कहती है कि मेरे एक इशारे पर ये डॉग तुम्हारे टुकड़े कर देगा। इसके बाद एली हर्नांडेज के साथ अपने घर पर जाने के लिए निकल जाती है लेकिन तभी रायलन अपनी गाड़ी में अपने आदमियों के साथ उनका पीछा करने लगता है। हर्नांडेज एली को उसके घर पर छोड़ देती है और जब इसके बाद हर्नांडेज अपने घर पर वापस जा रही होती है तभी वो रास्ते में देखती है कि एक गाड़ी बीच में खड़ी है और उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि रायलन अपने आदमियों के साथ होता है। हर्नांडेज पहले एक आर्मी ऑफिसर थी इसीलिए वो इन लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरती। वो इनसे कहती है कि तुम अपनी गाड़ी अगर रास्ते से हटा दो तो तुम्हारे लिए ठीक होगा। और इसके बाद हर्नांडेज अपनी कार में वापस आकर बैठ जाती है लेकिन तभी रायलन का एक आदमी हर्नांडेज को पीछे से पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह हथौड़े से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ब्लाइंड ओल्ड मैन एली को नई बुक्स लाकर देता है लेकिन एली कहती है कि मुझे रियल स्कूल में पढ़ना है, मुझे नए दोस्त बनाने हैं। ब्लाइंड मैन एली से कहता है कि मैं अपनी पहली बेटी को खो चुका हूँ इसीलिए मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहता। इसी दौरान इनके डॉग को जंगल से कुछ आवाज़ आती है, उनका डॉग जंगल में आ जाता है और तभी वहाँ पर रायलन के आदमी आ जाते हैं जो कि इनके डॉग को गोली मार देते हैं। इसके बाद जब ओल्ड ब्लाइंड मैन अपने डॉग को खाना देने के लिए आवाज़ लगाता है तो उसका डॉग नहीं आता। ब्लाइंड मैन को कुछ गड़बड़ लगती है इसीलिए वो अपने डॉग को ढूंढता हुआ जंगल में आ जाता है और तभी ब्लाइंड मैन को अपने डॉग की डेड बॉडी मिलती है। ब्लाइंड मैन जब अपने डॉग की डेड बॉडी पर हाथ फेरता है तो उसे वहाँ पर खून महसूस होता है, वो समझ जाता है कि उसके डॉग को किसी ने गोली मार दी है। ब्लाइंड मैन को बहुत ज़्यादा दुख होता है और अब वो समझ जाता है कि उसके घर में कोई घुस चुका है। वहीं दिखाया जाता है कि ब्लाइंड मैन के घर में रायलन के आदमी दाखिल हो जाते हैं और अब ये सब के सब एली को ढूंढने लगते हैं लेकिन एली अपनी सर्वाइवल स्किल्स के जरिए रायलन के आदमियों से काफ़ी देर तक छिपी रहती है। एली को एक खुला हुआ दरवाज़ा नज़र आता है लेकिन वो यहाँ से जाती है उससे पहले रायलन का एक आदमी पीछे से एली पर गन पॉइंट कर देता है लेकिन वो उसे कुछ करता उससे पहले ब्लाइंड मैन खिड़की तोड़ के उस आदमी को पकड़ लेता है। ब्लाइंड मैन एली को भागकर बॉक्स के अंदर छिपने के लिए कहता है, एली वहाँ से भाग जाती है। इसी बीच रायलन का वो आदमी जिसे ब्लाइंड मैन ने पकड़ रखा है वो ब्लाइंड मैन को इंजर्ड कर देता है और अपनी जान बचा लेता है और इतने में ब्लाइंड मैन वहाँ से भाग जाता है। वहीं एली को दिखाया जाता है जो कि बेसमेंट के अंदर जाके एक बॉक्स के अंदर छिप जाती है लेकिन वो यहाँ पर भी सुरक्षित नहीं थी क्योंकि तभी वहाँ पर रायलन का एक दूसरा आदमी आ जाता है जो कि बॉक्स पर बनी जालियों से एली को अंदर छिपा देख लेता है। वहीं ब्लाइंड मैन जब गैराज के अंदर अपने जख्म पर ग्लू लगा रहा होता है तभी वहाँ पर रायलन का एक आदमी अंदर आने लगता है। ब्लाइंड मैन उसकी पैरों की आवाज़ को सुनकर छिप जाता है और जैसे ही वो आदमी अंदर आता
जाता है। ब्लाइंड मैन उस पर बुरी तरह से हमला कर देता है। इनकी आवाज को सुनकर राइलन का एक दूसरा आदमी भी गैराज के अंदर आ जाता है और वो देखता है कि ब्लाइंड मैन ने उसके साथी के मुंह पर और नाक पर ग्लू लगा दिया होता है जिससे वो सांस नहीं ले पा रहा था। वो अपने साथी की जान बचाने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर से उसके गाल में छेद कर देता है जिससे उसको सांस आती है और इसके बाद वो आदमी टूटे हुए कांच के टुकड़े से अपने मुंह के ऊपर से ग्लू निकाल लेता है। राइलन का दूसरा आदमी उस बॉक्स में पानी भरने लगता है जिस बॉक्स के अंदर एली छिपी हुई होती है। इसके बाद वो एक बिजली की तार को उस बॉक्स के अंदर डालते हुए ब्लाइंड मैन से कहता है कि मुझे पता है कि तू आसपास छिपा हुआ है और अगर तू मेरे सामने नहीं आया तो मैं इस लड़की को बिजली के करंट से जान से मार दूंगा। और तभी ब्लाइंड मैन वहाँ पर एक गैस का सिलेंडर फेंकता है जिस सिलेंडर से गैस लीक हो रही होती है और इसके बाद ब्लाइंड मैन उसके सामने आ जाता है। राइलन का आदमी ब्लाइंड मैन पर हमला कर देता है लेकिन ब्लाइंड मैन के शरीर में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। वो राइलन के आदमी को बुरी तरह मारता है। वहीं बॉक्स के अंदर लगातार पानी भर रहा होता है। ब्लाइंड मैन अपने आगे एक टेबल रख उस बिजली की तार को उस तरफ फेंकता है जहाँ पर सिलेंडर से गैस लीक हो रही होती है जिससे एक स्पार्क बनता है और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। राइलन का आदमी उस ब्लास्ट में मारा जाता है। इसके बाद ब्लाइंड मैन पानी को निकालने के लिए उस बॉक्स को पलट देता है जिससे वो एली की जान बचा लेता है और अब राइलन भी अपने आदमियों के साथ वहाँ पर आ जाता है। वहीं ब्लाइंड मैन और एली ये दोनों घर की नर्सरी में आकर छिप जाते हैं। राइलन गेट में गोली मार देता है और अपने आदमियों के साथ नर्सरी के अंदर आ जाता है। राइलन एली से कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है बल्कि तुम्हें उस आदमी से डरना चाहिए जिसके साथ अभी तुम इस समय हो क्योंकि तुम उस आदमी के बारे में अभी कुछ भी नहीं जानती। ये सुनकर ब्लाइंड मैन बाहर आकर राइलन पर हमला कर देता है लेकिन राइलन के आदमी ब्लाइंड मैन को मारकर जख्मी कर देते हैं और अब राइलन एली को बताता है कि मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। दरअसल जब हमारे घर में आग लग गई थी तो ब्लाइंड मैन को एली बेहोश मिली जिसके बाद ब्लाइंड मैन ने एली को अपनी बेटी की तरह रखा। राइलन एली से कहता है कि जब तुम हमारे पुराने घर में गई थी तो मैं उस समय वहीं पर था और मैंने तुम्हें वहाँ पर देख लिया था और अब मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊँगा। एली ये सब जानकर पूरी तरह से दुखी हो जाती है। इसके बाद राइलन अपने आदमियों से कहता है कि इस बुड्ढे को जान से मार दो लेकिन वो ऐसा कुछ करते उससे पहले ब्लाइंड मैन वहाँ से भाग जाता है। राइलन अपने एक आदमी से कहता है कि तुम एली को लेकर अपनी गाड़ी में चले जाओ और अब राइलन का जो आदमी एली को पकड़कर अपने साथ ले जा रहा होता है। एली उसे जाने के लिए मना करती है और अब एली उसे जख्मी कर देती है। उस आदमी को एली पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो उसे मारता उससे पहले तभी ब्लाइंड मैन आकर उसे पकड़ लेता है और बुरी तरह उसका हेड क्रश करके उसे मार देता है। इसके बाद ब्लाइंड मैन एली को छिपाने के लिए ले जाने लगता है। ब्लाइंड मैन एली को एटिक के अंदर जाने के लिए बोलता है लेकिन एली ब्लाइंड मैन पर गुस्सा करती है क्योंकि ब्लाइंड मैन ने उससे इतनी बड़ी सच्चाई छिपाई हुई थी। वहीं घर के बाहर राइलन को दिखाया जाता है जो कि ब्लाइंड मैन के पीछे अपना डॉग भेज देता है। ब्लाइंड मैन एली को रूम के अंदर भेज देता है और ब्लाइंड मैन डॉग से बचने के लिए एटिक के अंदर चला जाता है। ब्लाइंड मैन राइलन के डॉग को मारता नहीं है बल्कि वो उसे जाल के पीछे बंद कर देता है। एली घर से बाहर आ जाती है और तभी राइलन का एक आदमी एली को पकड़कर बेहोश कर देता है और अब जाने से पहले राइलन ब्लाइंड मैन के घर में पूरी तरह से आग लगा देता है ताकि ब्लाइंड मैन मारा जाए और इसके बाद राइलन एली को लेकर अपने आदमियों के साथ वहां से चला जाता है। ब्लाइंड मैन के घर में पूरी तरह से आग लगना शुरू हो जाती है। ब्लाइंड मैन राइलन के डॉग को फ्री कर देता है ताकि वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग सके। इसके बाद ब्लाइंड मैन खुद भी एक विंडो को तोड़ के घर से बाहर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें राइलन को दिखाया जाता है जो कि एली को लेकर एक होटल में आ जाता है और एली से कहता है कि मैं तुम्हारे पिता हूँ और अब तुम पूरी तरह से आज़ाद हो, तुम जहाँ मन करे वहाँ जा सकती हो। और जब इसके बाद एली वहाँ से जाने लगती है तभी एक औरत एक पोएम गाने लगती है जो पोएम एली की मॉम उसे गाकर सुनाया करती थी और जब एली पीछे मुड़ती है वो देखती है कि वहाँ पर उसकी मॉम है जो कि व्हील चेयर पर होती है। एली अपनी मॉम को पाकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। एली की मॉम एली को बताती है कि हमारा एक ड्रग का बिजनेस था। एली की मॉम उसे बताती है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मेरा हार्ट पूरी तरह से डैमेज हो चुका है जिससे मेरी बहुत जल्दी मौत हो जाएगी। एली की मॉम एली को बताती है कि मुझे किसी अपने का दिल चाहिए जिससे मेरी जान बच जाएगी और अब एली समझ जाती है कि उसे यहाँ पर क्यों लाया गया है। इसके बाद ये एली को बेहोश कर देते हैं ताकि ये उसका दिल निकाल सके। वहीं दूसरी तरफ हमें ब्लाइंड मैन को दिखाया जाता है जो कि अपने जले हुए घर के बाहर होता है। वहाँ पर राइलन का डॉग भी होता है। अब क्योंकि ब्लाइंड मैन ने राइलन के डॉग की जान बचाई थी इसीलिए वो डॉग उसका वफादार बन चुका था। ब्लाइंड मैन जब थोड़ा आगे जाता है तो उसे गाड़ी के अंदर अपनी दोस्त हर्नांडिस की डेड बॉडी मिलती है। ब्लाइंड मैन यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और अब ब्लाइंड मैन पूरी तैयारी करके राइलन के डॉग के गले में एक पट्टा डालता है। ब्लाइंड मैन राइलन के डॉग से कहता है कि तुम्हारे घर जाने का समय
तय हो चुका है और ब्लाइंड मैन रायलन के डॉग के पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ एली को बेल्ट से बांधा हुआ होता है, वहाँ पर एक डॉक्टर भी होता है। रायलन डॉक्टर से कहता है कि एली का दिल निकाल दो, और जैसे ही डॉक्टर एली की तरफ बढ़ने लगता है तभी वहाँ पर अचानक से लाइट चली जाती है। रायलन अपने एक आदमी को लाइट चेक करने के लिए नीचे भेजता है। रायलन का आदमी जब नीचे आता है तो वहाँ पर ब्लाइंड मैन होता है और ब्लाइंड मैन रायलन के आदमी को बुरी तरह से मार देता है। इसके बाद रायलन के पास उसका डॉग आता है। रायलन अपने डॉग को देखकर समझ जाता है कि ब्लाइंड मैन उसके डॉग को फॉलो करके यहाँ पर आया है। रायलन अपने डॉग को मारने के लिए उस पर गोली चलाता है, लेकिन उसका डॉग किसी तरह बचकर वहाँ से भाग जाता है। और अब रायलन अपने सभी आदमियों से कहता है कि ब्लाइंड मैन को जाके मार दो। रायलन के आदमी जब नीचे आते हैं वो देखते हैं कि ब्लाइंड मैन पानी में पड़ा हुआ है। रायलन के आदमियों को लग रहा था कि ब्लाइंड मैन मर चुका है, और जैसे ही वो उसे देखने के लिए उसके थोड़ा करीब आने लगते हैं, ब्लाइंड मैन उनके कदमों की आहट को महसूस कर उन सबको एक एक करके गोलियों से मार देता है। लेकिन वहां पर रायलन का एक आदमी बच जाता है। रायलन का वो आदमी ब्लाइंड मैन को नहीं मारता, वो ब्लाइंड मैन से कहता है कि तुम जाकर एली को बचा लो, वो लोग एली को मार देंगे। वो आदमी ब्लाइंड मैन को एली तक पहुंचने का रास्ता बताता है। वहीं जब रायलन अपनी वाइफ और एली को लेकर डॉक्टर के साथ वहां से जा रहा होता है तभी वहां पर ब्लाइंड मैन आकर डॉक्टर को बुरी तरह से मार देता है। यहां पर चारों तरफ बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, इसीलिए रायलन रोशनी करने के लिए खिड़कियों को गोली मारकर तोड़ देता है। और तभी ब्लाइंड मैन वहां पर चारों तरफ स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है जिससे वहां पर पूरी तरह से धुआं हो जाता है। रायलन को कुछ भी नजर नहीं आता और ब्लाइंड मैन अपने चाकू से रायलन को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। रायलन ब्लाइंड मैन को मारने के लिए अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, लेकिन वो देखता है कि ब्लाइंड मैन तो नहीं मरा, बल्कि उसने जो गोलियां चलाई थी वो उसकी वाइफ को लग गई होती हैं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। एली के हाथ उसकी मॉम के हाथ से बंधे हुए होते हैं, और जब एली की मॉम की डेड बॉडी व्हीलचेयर के साथ नीचे गिर रही होती है तो एली भी घसीटते हुए नीचे गिरने लगती है। एली अपनी जान बचाने के लिए पास में पड़ी हुई एक तलवार से अपनी मॉम का हाथ काट देती है। वहीं ब्लाइंड मैन रायलन पर हमला कर देता है। रायलन ब्लाइंड मैन को मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ब्लाइंड मैन रायलन पर भारी पड़ जाता है। ब्लाइंड मैन रायलन से कहता है कि तू भी मेरी अंधेरी दुनिया को महसूस करेगा, और इतना कहकर ब्लाइंड मैन रायलन की आंखें फोड़ देता है और उसे अंधा कर देता है। ब्लाइंड मैन भी यहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो जाता है, और अब ब्लाइंड मैन नीचे गिर जाता है। तभी वहां पर एली आती है। ब्लाइंड मैन एली से कहता है कि मैंने अपने पास्ट में बहुत सारे क्राइम्स किए हैं, मैं क्रिमिनल हूँ, इसीलिए तुम मेरे पास मत आओ। ब्लाइंड मैन एली को वहां से जाने के लिए बोलता है, और अब एली रोते हुए वहां से जाने लगती है। और तभी रायलन पीछे से ब्लाइंड मैन को अपने चाकू से स्टैब कर देता है। रायलन ब्लाइंड मैन को बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है, लेकिन रायलन ब्लाइंड मैन को मारता उससे पहले एली रायलन को मार देती है। एली ब्लाइंड मैन को संभालती है और उससे कहती है कि मैं आपकी जान बचा सकती हूँ। अपने अंतिम समय में ब्लाइंड मैन एली को वहां से जाने के लिए बोल देता है, और इसके बाद ब्लाइंड मैन की मौत हो जाती है। एली को यहाँ पर बहुत ज्यादा दुख होता है, और इसके बाद एली यहाँ से अपने नए घर चाइल्ड शेल्टर में जाती है। इसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन के जरिए दिखाया जाता है कि ब्लाइंड मैन की डेड बॉडी के पास रायलन का डॉग आता है, जो कि ब्लाइंड मैन की हाथों की उंगलियां चाटने लगता है, और तभी ब्लाइंड मैन की उंगलियां हिलने लगती हैं, जिससे हमें पता लगता है कि ब्लाइंड मैन अभी भी जिंदा है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।